बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ मैं एक वीडियो पहले शेयर कर चुका हूँ, आपने शायद किसी और प्लेटफार्म के ऊपर भी देख ली हो। जो सऊदी अरब में जो बंदे कफील से भागकर बाहर काम कर रहे हैं, या जिन बंदों का कफील ने हरूप दे दिया है, उनको जो भाई अभी सहूलियत मिल चुकी है। इसके मतलब मैं पहले वीडियो जो शेयर की है, कुछ भाई नीचे कमेंट कर रहे थे बहुत से सवाल को लेकर, इंशाल्लाह ताला आपको कुछ सहूलियत बताऊंगा और दूसरी चीज ये क्लियर करूंगा कि आप कर क्या सकते हैं अभी। यानी कि आप कफील से भागे हुए हैं, चाहे उसने आपका हरूप नहीं दिया है, चाहे आपका हरूप दे दिया है, तो आप अभी कर क्या सकते हैं। आप इलीगल तरीके से मत रखें, आप लीगल तरीके से रहें, वही बेस्ट है जी। बात यह है जी, आप कफील से भाग गए हैं, बाहर कहीं काम वगैरह कर रहे हैं, आप जब पकड़े जाएंगे, आपको पता है जी, अगर तो उसने हरूप दिया हुआ तो आपका सफर कर दिया जाएगा। अगर आप अगर उसने हरूप नहीं दिया हुआ है, आप बाहर कहीं काम करते हुए पकड़े जाए, तो आपके ऊपर फाइन भी हो सकता है और आपका आपको वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं, ये तो क्लियर बात है। दूसरी बात यह है कि जिन बंदों के ई काम एक्सपायर है, कफील काम नहीं लगा रहा है या सैलरी वगैरह नहीं दे रहा, दो महीने सैलरी दे रहा, तो उन बंदों ने ये सोचा कि बाहर चले जाते हैं, बाहर कहीं काम कर लेते हैं, तो वहीं से फिर भाई कमा लेते हैं, अपने काम वगैरह सीधे कर लेंगे। क्या कफील के बगैर आप खुद से नकल खफाला वगैरह जो भी है करवा सकेंगे? अगर उसने हरूप दे दिया तो फिर भी आप क्या नकल खफाला वगैरह या खरूज वगैरह आप करवा सकेंगे, इसके ऊपर बात कर लेंगे। सबसे पहले एक चीज क्लियर करूंगा, कफील के ऊपर आप केस भी कर सकते हैं। इस चीज को लेकर वीडियो लंबी ही होती जाएगी अगर मैं केस के मामला की यहाँ पर बातचीत छेड़नी मैंने शुरू कर दी, यानी कि किस सूरत में क्या, वो एक अलग से वीडियो शेयर कर दूंगा। आप कफील के ऊपर केस वगैरह कर सकते हैं, करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको बेनिफिट क्या होंगे, मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह ताला पूरी दूंगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि मैंने लाइव तमाम तर वो चीजें भी कवर की हुई हैं। आपके साथ मुख्तलिफ वीडियो में बताया भी हुआ है, आपको जद्दा गुवाहाटी में जो तंजीब का दफ्तर है वहां से भी आपको लाइव सब कुछ दिखाया हुआ है, इसी चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। तो बात कर लेने की, एक तो केस के मुतालिक होगा, दूसरा ये है कि आप हरूब है जी, आप सफारा से भी जा सकते हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, शमेसी में, जद्दा शमेसी या रियाज में, जेल में, कहीं भी आपको जो सफारा करीब तरीन लगता है, आप वहां पर चले जाएं। बेहतर ये है कि आपका कफील सिटी का हो, उस सिटी में जाएं। तो उस सिटी से मुराद अभी खमीस मशीद का है, हायल का है, वहां का तो आपका कफील है लेकिन वहां पर सफारा तो नहीं है। तो खमीस मशीद भाई रियाज में लगेगा, आप रियाज में चले जाएं। हायल जद्दा में लगेगा, जद्दा में आ जाए, इस हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। आप सफारा से भी जा सकते हैं अपनी टिकट लेकर जेल के बगैर। उसके अलावा आप सफारा से खरूज तो जा सकते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन न्यू वीजा के तौर पर नहीं आ सकेंगे दोबारा, ये क्लियर कर दूं आपको। आप कफील से भागे हुए बाहर काम करते हैं, आपका कफील ने हरूक दे दिया है, 15 दिन का आपके पास टाइम होगा, 15 दिन में आप चले जाएं भाई मकतबे अमल, वहां पर जाकर अपनी दरख्वास्त दे दें कि मेरा इसने नजायज हरूक दिया है। वहां पर आपका मामला सेट कर दिया जाएगा, आपका या तो नकल फला कर दिया जाएगा, या आपका कफील अगर बोलेगा, या आप बोलेंगे मैंने खरूज नहाई जाना है, खरूज नहाई जाना है, उतर नहाई है, यानी कि न्यू वीजा के तौर पर आप दोबारा सऊदी अरब में आ सकेंगे। ये सहूलत मुझे बेस्ट लगी है। वैसे इसके अलावा भाई आपका कफील आपका हरूब अभी दे ही नहीं सकता है उस टाइम तक जब तक कि आप ऑन द जॉब हैं। अगर आप वाकई उससे भाग गए हैं बाहर कहीं, तो उसको भी अगर हरूब देगा तो आप जाकर दरख्वास्त देंगे, तो वहां पर आपका हरूब कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको आपको नकल कफाला देना पड़ेगा। आप बाहर नकल कफाला किसी के नाम के ऊपर करवाकर अपने कामें वगैरह सीधे कर सकते हैं, लीगल तरीके से सऊदी अरब में रह सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका जो मुझे लगा है, मैं बोला आपके साथ वीडियो में यही शेयर कर दूं, वो ये है जी, अगर तो आपका हरूप दे दिया है उससे, तो फिर भाई ये बेस्ट है कि आप खरूज नहाई लगवा लें मकतबे अमल की तरफ से, लग भी जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक 2-3 माह का टाइम लगेगा, उतनी देर में आप बाहर कमाएंगे भी, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, आपको शूटा वगैरह नहीं पकड़ेगा। बेस्ट ये है खरूज नहाई लगवा लें, खरूज नहाई लगवा कर वापस आ जाए। न्यू वीजा आपको पता ही 4,000, 5,000, 6,000 का, इसके मतलब एक वीडियो शेयर कर दूंगा कम्पलीटली, इस वक्त वीजों का क्या रेट है, दोस्त अब बनी मार्क में बैठे हुए मुझे बताते रहते हैं, तो वो आपको भाई न्यू वीजा लेकर चले जाए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है तमाम तरह हरूब वाले अफराद को।